जय हिंद दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की भारतीय स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आईपीसी की धारा 378 यानी थेफ्ट यानी चोरी के बारे में बात करूंगा। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी अनुमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी की नियत से हटाता है तो यह चोरी कहलाता है। चोरी की परिभाषा के अनुसार कोई घटना चोरी तभी कहलाएगी जब किसी चल संपत्ति को उसकी जगह से हटाया जाए, कब्जेधारी की सहमति के बिना ही उसे हटाया जाए, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसे बेईमानी की नियत से हटाया जाए। अगर इसमें किसी भी तत्व की अनुपस्थिति होती है तो वह घटना चोरी नहीं कहलाती है। अतः कोई घटना चोरी तभी कहलाएगी जब उसमें निम्न तत्व होंगे। पहला, चल संपत्ति। दूसरा, संपत्ति का कोई मालिक हो, किसी के कब्जे में हो। तीसरा, कब्जेधारी के सहमति की अनुपस्थिति हो। चौथा, बेईमानी की नियत हो। और पांचवा, चल संपत्ति को हटाया गया। आरोप सिद्ध होने पर इसमें कम से कम जो सज़ा है 3 साल की है, 3 साल का कारावास है या जुर्माना है, या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अगर चोरी घर के अंदर की जाती है तो यह सज़ा बढ़कर 7 साल की हो जाती है। यह सज़ा गैर जमानतीय है और यह संज्ञेय है। यह सज़ा समझौता के योग्य है और यह किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने विचारणीय है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।